हाँ, मनोज कुमार एक्चुअली 14 तारीख को बीमार हुआ थोड़ा, तो उसको हॉस्पिटल में लेके गए थे, तो उसको बेड रेस्ट दिया था डॉक्टर ने, लेकिन उसके बाद में फिर ठीक हो गया था। तो 21 तारीख को लगभग 9:30 बजे के लगभग इसको फिर एक बार सीजर अटैक आया, और सीजर अटैक के दौरान में ये बेहोश हो गया। हमारा एक कॉन्स्टेबल है जो डॉग हैंडलर का काम करता है, उसने देखा तो ये बेहोश की हालत में था। बेहोश तो हमारा MI रूम होता है जो CRPF का, तो 173 बटालियन का जो MI रूम है उसमें लेके गया। तो एक्चुअली वहाँ पे हमारा जो डॉक्टर है वो थाने पोस्टिंग हो गया डॉक्टर, तो इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले गए तो इसको चेक किया, इसके नब्ज़ वगैरह देखा, तो इसको डॉक्टर ने ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। ड्यूटी के प्रति बड़ा ईमानदार, बड़ा ही अच्छा सिपाही था, बहुत ही अच्छा सैनिक, और इसका व्यवहार सभी लोगों से लगभग इसकी 19 साल की सर्विस में जहाँ पे भी ये रहा, मणिपुर, आसाम, J&K, जिस क्षेत्र में भी रहा और अपने क्षेत्र में जहाँ भी इसको जो काम बताया गया वो भी किसी अधिकारी ने या किसी कार्मिक ने, सबके प्रति इसका बहुत ही अच्छा व्यवहार था और सबको चाहने वाला जवान था, बहुत ही अच्छा जवान, सबके साथ मेल मिलाप से रहने वाला था। ये हमारी सलामी टुकड़ी 245 बटालियन CRPF कपूरथला से आई है। CO साहब ने और उधर से बटालियन ने बहुत ही गहरा दुख व्यक्त किया इसके ऊपर। ये जो सलामी देने के लिए टुकड़ी आई है, ये 245 बटालियन CRPF। सानू पता लग गया, ये दिनांक मैं भी ऑन ड्यूटी था, 21 तरीक नूं कोई 10:30 बजे मैनूं फोन आया घरों। तो उस तो पहले इन्हां दे घर दे बच्चियां नाल भी गल होई है, इन्हां दी भाजी उन्हां दा फोन आया, भाभी जी नाल गल होई है, बच्चियां नाल गल होई, मम्मी जी नाल गल नहीं होई। तो गल होण तों बाद जिदा फोन कट दिता ना, कहिंदा मैं दोबारा फोन करदा है, दोबारा फोन करा, एक घंटे तो बाद सानू खबर मिलती है कि इन्हां दी मतलब डैथ हो गई है। कि तो महकमे वाले सर आए हुए हैं, हमारे CRPF के जो सर हैं, बाकी ने डिटेल दा पता की होया कि नहीं, कि आए उत्थे जा नहीं सके क्योंकि नागालैंड ड्यूटी है उन्हां दी, इसको काफ़ी देर लग सकता है टाइम। परिवार के पिछे मदर फादर है, ब्रदर है, मैं हूँ, और मेरी सिस्टर है एक, और दो बच्चे हैं इनके, जो एक 6वीं क्लास में, एक 5वीं क्लास में है।